प्रांतीय किसान महापंचायत में हम किसानों का घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें हम अनिर्भर व वन निर्भर किसान मजदूरों के मुद्दों को लेकर के घोषणाएं कर रहे हैं। प्रमुख घोषणा, आने वाली सरकार को 20 कुंटल प्रति एकड़ 4000 रुपए प्रति कुंटल की दर से अधिक कीमत से खरीदी करनी होगी। किसानों का कर्ज माफ़ करना होगा। आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा के लिए फसल रक्षक तैनात करना होगा। व्यक्तिगत फसल बीमा का प्रावधान करना होगा। उसके साथ साथ और भी सिंचाई बिजली को लेकर के अन्य मांगे हैं। वन निर्भर किसानों की मांगों के रूप में तेंदुपत्ता का कीमत 8000 रुपए मानक बोरा अगले सरकार को देना पड़ेगा। उसके साथ साथ वन निर्भर किसानों के तमाम जो संवैधानिक अधिकार है वो देने पड़ेंगे। वन अधिकार मान्यता कानून का पालन करना होगा। पेशा कानून को मजबूत करते हुए ग्राम सभा की सर्वोच्चता बनाए रखनी होगी। मनरेगा मजदूरों का 250 दिनों का रोजगार और कलेक्टर रेट पे भुगतान की हम यहाँ से घोषणा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही प्रति एकड़ प्रति फसल 40 मनरेगा मजदूर देने की भी हम यहाँ से ऐलान कर रहे हैं। और ये भी घोषणा करते हैं कि जो पार्टी हमारे घोषणा पत्र को नज़रअंदाज करेगी उसको किसान मजदूर समाज आने वाले चुनाव में नज़रअंदाज करने का काम करेगा। साथ ही रमन कार्यकाल के 2 सालों के बोनस के भुगतान के बारे में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 3700 करोड़ रुपए का मामला है और हम उसको डूबने नहीं देंगे। वोट देने के पहले उसके बारे में कांग्रेस भाजपा की क्या राय है, उस पर वो क्या करना चाहते हैं, वो हम स्पष्ट जानना चाहते हैं। जी, मैं सुदेश टिकम, संयोजक प्रदेश किसान संघ।